बरेली में बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। वहीं रात के समय में खुराफातियों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। मामला है थाना प्रेमनगर क्षेत्र के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा का, जहां रात्रि लगभग 10 बजे किसी ने गुरुद्वारे के अंदर काले रंग की थैली फेंक दी। गुरुद्वारे के स्टाफ द्वारा कूड़े की थैली समझकर जब देखा गया तो पन्नी में मांस पाया गया, जिसको देखकर गुरुद्वारा स्टाफ में अफरा तफरी मच गई और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सूचना दी गई। प्रबंधक कमेटी के एकत्रित होने पर मौके पर शाहबाद चौकी इंचार्ज फोर्स के साथ पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही सीओ एवं एसपी सिटी भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर जांच आरंभ की। फिलहाल देर रात तक मांस किसने फेंका था, इसकी सूचना जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। धार्मिक स्थल पर मांस फेंकने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है वो आरोपी को छोड़ेंगे नहीं, उसे जल्द पकड़ लेंगे। वीर जी, ये जानना चाहेंगे क्या किस तरीके से घटनाक्रम था? रात को करीब 10:50 पे, करीब 10:50 या 55 पे बाहर हम लोग, ये बाहर से आवाज़ आई कुछ गिरने की। हमारे ग्रंथी जी सेवादार और उनके बच्चे वगैरह सब दौड़ते हुए वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे मास्क है लोटरा पड़ा हुआ था, मतलब 3-4 जगह पे था उसका, एक सीढ़ी पे नीचे भी दो। तो हम लोगों ने फोटो खींच के अपने कैमरे में अपने उसमें कैश कर लिया। पन्नी गिरा फट गई, हाँ पन्नी थी, पन्नी काली पन्नी में थी। फिर पुलिस को सूचित किया, फिर तुरंत उसी समय 112 नंबर मैंने फ़ोन किया तो पुलिस आ गई। एसपी सिटी साहब आए, सीओ साहब आए और इंचार्ज साहब आए, प्रेम और फोर्स भी आ गई। तो उसके करीब कम से कम रात को हम लोग करीब 1:30 बजे फिर चले गए। सीसीटीवी में क्या दिख रहा है, कोई इंसान दिख रहा है? सीसीटीवी में केवल गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसी की फोटो नहीं आ रही है। रखवी सीवी से टकरा करके वो आपसे पूछ लेंगे थोड़े। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।